करनाल के सेक्टर 6 के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सेक्टर 6 में लोगों को अटल सेवा केंद्र की सेवाएं अब प्राप्त होंगी। आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 6 में अटल सेवा केंद्र का उद्घाटन जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव एवं करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने किया। इस सेवा केंद्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि यह सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके प्रारंभ होने से लोग यहां पर आधार कार्ड, पेंशन संबंधित आवेदन, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र व इनकम प्रमाण पत्र, यह सभी आसानी से बनवा सकते हैं। इन सेवाओं के लिए लोगों को लघु सचिवालय में नहीं जाना पड़ेगा, वह अपने काम अटल सेवा केंद्र में पहुंचकर करवा सकते हैं। अटल सेवा केंद्र खोलने से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और एक ही जगह पर सारी सुविधाएं भी नागरिकों को उपलब्ध होंगी। वहीं जिला उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी कागजात तैयार करवाने हैं तो वह अटल सेवा केंद्र से करवा सकता है, उसको तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद मेघा भंडारी ने जिला उपायुक्त व मेयर का स्वागत करते हुए कहा कि उनके वार्ड में अटल सेवा केंद्र की शुरुआत होने से लोगों को बेहतर सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त हो सकेंगी। वहीं सेक्टर 6 में अटल केंद्र खुलने से लोग खुश नजर आए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने कुछ टाइम पहले अटल सेवा केंद्र की उद्घाटन किया था। उनका मेन मकसद यही था कि एक छत के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं हों। उस चीज का मार्गदर्शन करते हुए हमने आज डीसी साहब को, मेयर मैम को और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं योगिंदर राणा जी, ओएसडी टू सीएम संजय बटला जी और अशोक सुखीजा जी, हमारे जो मेरे वार्ड के विशिष्ट कार्यकर्ता लाजपत चौचड़ा जी, सतीश गोयल जी, कुलदीप अंकल, ये सब लोग आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज हमारे सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में हमने अटल सेवा केंद्र खोला है, जिसमें लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो पासपोर्ट की हो, पेंशन हो, डोमिसाइल हो, सीनियर सिटीजन कार्ड हो या फिर हमारा आयुष्मान कार्ड है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही छत पे होंगी। पहले जीटी रोड पर यहाँ पे कोई भी सीएससी सेंटर नहीं था, उस चीज को देखते हुए हमने डीसी साहब से इस चीज की मांग रखी थी और हमें अप्रूवल मिल गया और आज उसके तहत ही आज हम उद्घाटन हुआ है। डीसी साहब ने उद्घाटन किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे वार्ड में उन्होंने उद्घाटन करा इस चीज का। इससे पहले लोगों को बहुत समस्याएं होती थी, बस स्टैंड के पास जाते थे, वहां पर वो लाइनों में खड़े रहते थे, कभी पोर्टल चलता था कभी नहीं चलता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मगर अब हमारे वार्ड वालों और हमारे वार्ड से लगते जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो 7 सेक्टर हो, चाहे वो फूसगढ़ हो, राजीवपुरम हो, जितने भी एरियाज हो, उससे लगते इन लोगों को सुविधाएं मिल गई है कि वो एक ही छत पे सारा काम अपना कर सकते हैं और ये सरकारी रेट पे होगा। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी कि प्राइसेस ज्यादा लग जाते थे, कम लगते थे, मगर अब यहाँ पे सरकारी रेट पे यहाँ पे लिस्ट लग जाएगी कि जो भी आपने काम करवाना है उसकी इतनी फीस है, नॉमिनल फीस है, सबकी सुख सुविधाओं से ये काम होता रहेगा। और दूसरी बात, ये जैसे आप चाहते हैं कि हमारा जो जब से हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के द्वारा ये सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो डिजिटल होने के तहत हमने सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम करा है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत एक एक चीज जो है वो पर्टिकुलर जो है तभी खुलेंगे जब तक हमारा मेन आईडी कार्ड नहीं होगा। और अब हमारे यहाँ पे जो फैमिली आईडी कार्ड जो लॉन्च हुआ है उसके तहत भी वो भी यहाँ पर बनेगा, लोगों को कहीं जाने की या धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आज सेक्टर 6 में अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक गुड गवर्नेंस का जो कार्यक्रम है और ई पोर्टल का, खासतौर पे अटल सेवा केंद्र पे सभी ऑनलाइन सर्विसेज सभी अटल सेवा केंद्रों पर मिलती है, ये हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। एक मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट, एक मेट्रो सिटी की जो लोगों की इच्छा होती है कि उनको अपने घर से ही, अपने आसपास से ही ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिले, वो सारी सर्विसेज हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हमारे डीसी साहब ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को तहसील में, सेक्रेट में या नगर निगम में बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाकर अपने अपने एरिए में आसपास जहाँ भी उन्हें सर्विसेज मिलती हैं यहाँ से ये फायदा रहेगा। जितना भी नियर बाय एरिया है, चाहे वो फूसगढ़ है, चाहे 5 सेक्टर है, चाहे 4 सेक्टर है, सबको यहाँ से सर्विसेज मिलेगी और लोगों को कम समय भी लगेगा और
अच्छी फैसिलिटी यहाँ से प्रोवाइड होगी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस बात के लिए विशेष ध्यान देते हैं कि नागरिकों को सुविधा बेहतर कहाँ से मिले, और इसलिए ई दिशा केंद्र है, सरल केंद्र है, हर जगह बड़े अच्छी व्यवस्था से चल रही है। लोगों की डिमांड के अनुसार जहाँ भी जरूरत होगी हम आगे करवाने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली आज हमने सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर है, इसमें एक अटल सेवा केंद्र का लॉन्च किया है और विभिन्न तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो परिवार पहचान पत्र बनना है उसको बनाना, उसको उसमें अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करना, जितने भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं हमारी उसके लिए लोगों को तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे सेक्रेटरीट में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो यहीं से अपने अटल सेवा केंद्र से सुविधाएं ले सकते हैं। और न केवल यहां पे शहर में बल्कि गांव में भी जो अटल सेवा केंद्राज हैं वो खोले जा रहे हैं, और करनाल में 500 से ज्यादा ऐसे अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसके दोहरे फायदे हैं, एक फायदा तो ये है कि सिटीजन्स को लोगों को लोकल स्तर पे सुविधाएं मिल जाती हैं, और दूसरा जो इनको चलाते हैं जिनको वीएलई कहते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या अर्बन लेवल एंटरप्रेन्योर, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उद्यमीकरण करते हैं, वो खुद अपना स्वरोजगार जनरेट करते हैं और हर एक सर्विस प्रोवाइड करने पे उनको एक निश्चित राशि जो है वो सर्विस चार्ज के तौर पे मिलती है। तो इससे युवाओं को रोजगार मिलता है और लोगों को एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार का प्रशासन का प्रयास है कि इन अटल सेवा केंद्रों को शहरों में भी और गांवों में भी हर एक कोने कोने तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों में ना आना पड़े, वो अपने फॉर्म्स यहां पे सबमिट करा सकते हैं, यहां से वो फॉर्म ऑनलाइन ही तहसीलों में भेजे जाते हैं और जब सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो उसको यहीं से प्रिंट आउट करके उस सिटीजन को दिया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर सेक्टर 6 के किसी नागरिक को कोई आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो यहां अपने डॉक्यूमेंट दे जाए और जितना भी उसका निश्चित समय है, हफ्ता 5 दिन, उसके बाद आकर के यहीं से वो अपना कलेक्ट करके ले जा सकता है, उसको तहसील के चक्कर लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.